tropical rainforest first the contents different types of plants present in tropical rainforest the animal life present in tropical rainforest geographical location of tropical rainforest and the impact of human on the tropical rainforest so first the types of plants troncigram they that tropical rainforest they are actually covering about six percent of land तो अगर हम लैंड का देखते हैं तो लैंड के तकरीबन जो है वो सिक्स परसेंट जो है एरिया के ऊपर ये मौजूद हैं बट द नंबर ऑफ स्पीशीज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज एग्जिस्टिंग इन दिस सिक्स परसेंट इज मोर देन फिफ्टी परसेंट यानी फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स दे आर लिविंग इन दी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो इसका मतलब ये हुआ कि देर द रिचेस्ट वन सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर रिचेस्ट विद रेफरेंस टू बायोडाइवर्सटी तो अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स तो जो प्लांट्स हैं है, जो रिपोर्टेड प्लांट्स हैं दे आर अप्रोक्सीमेटली हाफ मिलियन यानी कि तकरीबन फाइव लैख प्लांट वो रिपोर्टेड हैं इस हाफ मिलियन में से या पाँच लाख में से तकरीबन इसका मतलब तो यह हो कि अढ़ाई लाख यानी टू एंड हाफ लैक जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर प्लांट स्पीशीज़ पाई जाती हैं सो मोस्ट ऑफ़ द प्लांट स्पीशीज प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दे आर हैविंग बिगर लीव्स उनके लीव्स बड़े बड़े होते हैं दे आर एवरग्रीन प्लांट्स एंड देयर ग्रोथ इज़ वेरी फास्ट एन्वायरमेंटल कंडीशन ऑप्टिमम है तो दे ग्रो रेपिडली तो अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर देयर आर अबाउट टू एंड हाफ लैक स्पीशीज ऑफ प्लांट्स तो जो इंपॉर्टेंट वन हमारे पास चांद देखे हैं वी विल मैं हेयर जैसे हमारे पास पाम ट्रीज हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाम स्पीसीज हैं जो रिपोर्टेड हैं रबर ट्रीज बेंबूस ऑर्किड्स दैन द टॉलंग एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपीफाइड्स एंड द पिचर प्लांट मीन्स लार्ज ट्रीज शर्ब्स हर्ब्स तमाम चीज़ें जो है सारी की सारी वहाँ से रिपोर्टेड हैं जो एक्टिक इकोसिस्टम जो सॉरी ट्रॉपिकल इको सिस्टम के जो लार्ज ट्रीज़ हैं दे आर द टॉलंग टॉलंग जो है वो बेसिकली ह्यूज साइज के जो प्लांट ट्रीज हैं बड़े साइज़ के जो ट्रीज हैं एंड मोस्टली दियर प्रेजेंट इन द साउथ ईस्ट एशिया यानी कि मलेशिया इंडोनेशिया के इलाके के अंदर ये ज़्यादा जो वो है वो रिपोर्टेड है एपीफाइड्स ऐसे प्लांट्स को कहते हैं जो कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं और आमतौर पर उनसे फूड वगैरह जो है वो लेते हैं तो so, इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपीफाइड्स हैं दूसरे प्लांट्स के ऊपर भी ग्रो करते हैं तो द एनिमल स्पीशीज प्रेजेंट इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अगेन लाइक प्लांट्स दे आर मोर देन फिफ्टी परसेंट ऑफ एनिमल स्पीशीज दे आर रिपोर्टेड फ्राम द ट्रॉपिक्स तो ट्रॉपिक्स के अंदर या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर भी ह्यूज नंबर ऑफ एनिमल डाइवर्सिटी या वो मौजूद है या तो अमंग द एनिमल्स अगर हम देखें तो एनिमल्स में बिकॉज इन्वायरमेंटल कंडीशन आर ऑप्टिमम तो ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर प्रेजेंट इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हर फाइलम से हर ग्रुप से बिलोंग करने वाले वहाँ मौजूद हैं जैसे द नंबर वन अगर हम बात करें तो हमारे पास नीमा टोड्स हैं एनीलीड्स हैं आर्थ्रोपोड्स हैं तो जितने भी टेरिस्टेल एनिमल्स हैं दे आर रिपोर्टेड फ्राम द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अमंग द वर्टी ब्रेड्स वर्टीब्रेड्स के अंदर एम्फीबियंस और रेपटाइल्स की सबसे ज़्यादा जो है वराइटीज़ हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलती हैं क्योंकि ये दोनों कोल्ड ब्लडेड हैं और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर ऑप्टिमम इन्वायरमेंट है जिसकी वजह से इनको टेम्परेचर ट्रंप्र, फ्लक्चुएशन से जो है सामना नहीं करना पड़ता है जी रेपटॉल्स के बाद ह्यूज नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स आर देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैमल्स आर देयर तो इस तरह से ओवरऑल आ हीज नंबर ऑफ एनिमल्स आर लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वट इज द लोकेशन ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अगर हम लोकेशन देखते हैं तो ये एक्चुअली अर्थ के बिल्कुल सेंटर से ये ट्रॉपिक्स या एकटर की लाइन जो है हो पास होती है तो जहाँ से इक्वेटर पास होगा वही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एरिया होगा तो इक्वेटर अगर हम देखते हैं तो ये अगर हम अमेरिका से बात करें तो ये आमतौर पर साउथ और सेंट्रल अमेरिका का इलाका जो है इक्वेटर के करीब आएगा इसी तरह से अफ्रीका में अगर हम देखें तो जो साउथ अफ्रीका के करीब का इलाका यानी कि जो है हमारे पास होगा वो यानी कि जिसको वेस्टर्न अफ्रीका बोलते हैं दैट इज़ एक्चुअली द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट लैंड सिमिलरली द साउथ ईस्ट एशिया साउथ ईस्ट एशिया में हमारे पास जाए वो आ जाएंगे मलेशिया इंडोनेशिया स्रीलंका कुछ इलाके जो हैं ये सारे के सारे जाए वो आ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया का वो इलाका जो मलेशिया और इंडोनेशिया की तरफ करके कुछ हमारे पास इसके जो है वो जो चांदे आईलैंड मौजूद हैं दे आर हैविंग द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो वर्ल्ड मैप के ऊपर अगर हम देखें सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक्वेटर अगर हम देखें तो ये इस तरह से पास हो रहा है अर्थ के मैसेज चूंकि अगर हम देखें ज़्यादातर जो लैंड है ना वो इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ मौजूद है तो यहाँ अगर हम देखें तो दिस इज़ द एक्चुअली द सेंट्रल अमेरिका दिस इज़ द साउथ अमेरिका देन वेस्टर्न अफ्रीका और वेस्टर्न अफ्रीका के बाद हमारे पास आ जाएगा साउथ ईस्ट एशिया अगर हम देखें तो यहाँ थोड़ा सा एरिया हमारे पास जो इंडिया का कुछ इलाका भी इसके साथ आ रहा है देन सम एरियाज ऑफ द ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया के वो इलाके जो एक्वेटर के करीब हैं दे आर आल्सो हैविंग द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन दिस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अल्टीमेटली जहाँ रिचनेस स्पीशीज ज़्यादा है रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे तो उनको एक्सप्लॉयट भी उसी हिसाब से ज़्यादा किया जाता है तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर जो नेचुरल रिसोर्स हैं दे आर अबर्डेंट इसी तरह ह्यूमन ने उसी हिसाब से उसको जो है वो ओवर एक्सप्लॉयट किया है वंस अगर हम देखें शुरू में The tropical rainforest, they were about 14% of the land so these 14% they have been reduced to 6% now to inko itne तो इनको इतने तेजी से inke किया गया इनके land को इनकी kiya को iski किया गया इसकी जगह एग्रीकल्चर को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को साफ क्लीन करके वहाँ जाओ एग्रीकल्चर स्टार्ट की गई है तो अल्टीमेटली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो रिड्यूस होते होते सिक्स परसेंट रह गए हैं और अगर ये फर्दर यही स्पीड जो है यही प्रैक्टिस जारी रही तो आफ्टर फोर्टी ईयर्स देर विल भी नो ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट ट्रॉपिकल रेनफॉस्ट जो अल्टीमेटली क्या हो गया डेमिनिश हो जाएंगे तो वट विल द इम्पैक्ट ऑफ दिस वन अगर ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि जो फिफ्टी परसेंट डाइवर्सिटी ऑफ प्लाट्स और एनिमल्स जो हैंट विल बी एक्सटिंक्ट तो वो सारे सारे प्लाट्स और एनिमल्स जो वहाँ ट्रॉपिकल डिनफॉरेस्ट में होंगे ड्यू टू लॉस ऑफ हैबिटेट वो अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट से डिफॉरेस्टेशन डीफॉरेस्टेशन से हैबिटेट लॉस हैबिटेट लॉस से फिर एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज अब जब हैबिटेट लॉस हो गए या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को क्लीन कर दिया जाएगा तो दॉयल ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज सब्जेक्टेड टू इरोजन देन तो फिर क्या होगा इसमें इरोजन शुरू हो जाएगा वो लैंड जो है वो सारे साथ जो इरोड हो सकती है और द नेक्स्ट इम्पैक्ट विल बी द क्लाइमेटिक चेंजेज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर हैविंग हीज नंबर ऑफ प्लाट्स स्पीशीज जिसकी वजह से वहाँ रेनफॉल पैटर्न जो है वो अबंडट है जब वहाँ प्लांट्स नहीं रहेंगे ट्रीज नहीं रहेंगे तो अल्टीमेटली दैट मे सब्जेक्टेड टू द डॉट कि वहाँ पर क्या हो सकता है खुश्क साली आ सकती है रेनफॉल पैटर्न जो है वो कम होगा जिसका अल्टीमेट जो है वो ह्यूमन लाइफ के ऊपर एक सवियर इम्पैक्ट होगा